कुछ मोटिवेशनल शायरी आज हमारे लाइफ के ऊपर है ये, ठीक है। तो इस मोटिवेशनल शायरी से हम आज कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे कि आखिर क्या है हमारी लाइफ। हमें कभी भी अपने लाइफ में निराश और हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने इरादे बुलंद रखने चाहिए, तभी कुछ हासिल हो सकता है, वरना तो भूल जाइए आप भी कुछ हासिल भी कर सकते हैं। देखिए, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, अगर आप में हौसला है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, बुझती हुई समा को भी आप चला सकते हैं, तूफानों से कश्ती भी निकाल सकते हैं, अगर यूं मायूस हो गए होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल देते हो, मायूस होकर अगर इरादे बदल लोगे भाई तो कैसे होगा, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, बस आशा है, बस जिंदा रहे इसमें, तब जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। रे बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। दूसरा देखो क्या है भाई, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कहा जाता है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, समझ गए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ये भी एक बहुत ही अच्छी है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता नहीं उसके साथ होती है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोल रहे हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमीनों पर वो रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते, ये देखिए कितना ही मस्त है एक शायरी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए जिन उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर कर संभलते, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में चलते, वाह। और ये की रहा आखिर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा किससे पूछे बता तेरी वजह क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा किससे पूछे बता तेरी वजह क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।